अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू Phonebolee.com। दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तानी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक तवील इंतज़ार के बाद एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन बजट सीरीज़ के अंदर लॉन्च होने जा रहा है। और यहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन है वो है इन्फिनिक्स नोट 11 सीरीज़। अब वैसे ये मोबाइल फ़ोन सीरीज़ के अंदर आएगा, डेट मीन्स यहाँ पर नोट 11 भी होगा और नोट 11 प्रो भी होगा। लेकिन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं नोट 11 की सारी डिटेल्स को शेयर करूंगा। और वैसे मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दूं कि नोट 11 और नोट 11 प्रो में से नोट 11 एक ऐसा मॉडल होने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा तवज्जो भी हासिल करेगा लोगों की और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मॉडल होगा, क्योंकि नोट 11 के अंदर जो आपको खास तौर पर डिस्प्ले की साइड पर फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं वो नो डॉट प्राइस टैग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा किलर हैं और इंटरेस्टिंग है। एनी दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं तफसील से सब कुछ शेयर करूँगा, तो वीडियो को आपने पूरा जरूर देखना है। और अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे लाजमी क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मोबाइल पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो तो आपको इसकी अनबॉक्सिंग, गेमिंग रिव्यूज, स्पीड टेस्ट और कंपैरिजन वगैरह बर्बक टाइम पे मिल सके। इसी के साथ साथ आज की वीडियो को लाइक जरूर करेगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट 200 लाइक पे सेट करते हैं, उम्मीद है आप लाइक टारगेट पूरा कर देंगे। एनी दोस्तों, यहाँ पे बात को स्टार्ट करते हैं मोबाइल के सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट से, जो है डिस्प्ले। यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स नोट 11 के अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे डिस्प्ले का जो साइज है वो 6.7 इंच का रखा गया है और जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन है वो आपको 1080p की देखने को मिलती है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो डिस्प्ले की टाइप इस्तेमाल की गई है सुपर एमोलेड, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टेप है। और यहाँ पे इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के मुकाबले में भी काफी ज्यादा एक मेजर अपग्रेड है, क्योंकि IPS LCD के मुकाबले में सुपर एमोलेड काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, चाहे वो बैटरी की कंजप्शन हो, वीडियो की क्वालिटी हो या फिर ओवरऑल डेली यूजेज हो, सुपर एमोलेड के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगी मोबाइल फ़ोन के अंदर, वो यहाँ पे डिस्प्ले का डिज़ाइन है। यहाँ पे डिस्प्ले का डिज़ाइन वही पुराना वाला कर दिया गया है, नॉच वाला, लेकिन इस दफ़ा जो नॉच का स्टाइल इस्तेमाल किया गया है वो यू शेप नॉच है। यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन यहाँ पे पंच होल के मुकाबले में इसको वापसी से रिवर्ट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से क्योंकि आपको डिस्प्ले के बाकी सारे फीचर्स काफ़ी हद तक अच्छे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे डिज़ाइन को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले के अलावा बात किया जाए बाकी डिपार्टमेंट्स के बारे में, जैसे कि कैमरा, बैटरी और गेमिंग परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे जो कैमरा इस्तेमाल किया जाएगा वो 50 मेगापिक्सल का है। और ये सेम वही कैमरा सेटअप है जो कि आपने इन्फिनिक्स हॉट 11S के अंदर देखा था। नो डाउट काफी अच्छा कैमरा सेटअप है। यहाँ पे जो सेंसर इस्तेमाल किया गया है वो सैमसंग का सेंसर है। और यहाँ पे जो कैमरा की परफॉर्मेंस आएगी वो स्पेशली बजट सीरीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आएगी। और मेरे हिसाब से ये भी एक इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के मुकाबले में अच्छी अपग्रेड। अब वैसे बहुत सारे लोग ये कंपेयर करेंगे कि भाई नोट 10 प्रो के अंदर 64 मेगापिक्सल था जबकि इसके अंदर सिर्फ 50 मेगापिक्सल है, तो ये कैसा बेहतर है। तो यहाँ पे कैमरा की जितनी भी परफॉर्मेंस होती है वो सेंसर पे बेस कर रही होती है। तो नोट 10 प्रो के अंदर जो सेंसर इस्तेमाल किए गए थे वो अनवील्ड ही नहीं किए गए थे, वो अननोन रखे गए थे। तो मे बी वहाँ पे जो सेंसर थे वो काफी लो क्वालिटी के आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नोट 11 के अंदर आपको सैमसंग का सेंसर देखने को मिलता है JN1 का, तो ये काफी हद तक अच्छा परफॉर्म करेगा और इसको हम पहले भी टेस्ट आउट कर चुके हैं। तो जो ओवरऑल क्वालिटी होने वाली है वो नोट 10 प्रो से या तो बराबर आएगी या फिर नोट 10 प्रो से अच्छी आएगी। लेकिन यहाँ पे नोट 10 प्रो के मुकाबले में ज़्यादा बुरी क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो कैमरा की परफॉर्मेंस है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव देखने को मिलेगी। कैमरे के अलावा यहाँ पे अगर ओवरऑल डिज़ाइन की बात की जाए तो रियर साइड से डिज़ाइन भी काफ़ी चेंज किया गया है, लेकिन डिज़ाइन काफ़ी तक आप कह सकते हैं कि आइडेंटिकल रखा गया है हॉट 11S के मुकाबले में। और यहाँ पे जो कैमरा की प्लेसमेंट है वो भी काफ़ी तक सिमिलर है। यहाँ पे आपको जो प्राइमरी लेंस है वो काफ़ी ज़्यादा वाजे होकर बड़े साइज पे देखने को मिलता है, जबकि जो इसके सेकेंडरी लेंसेज हैं वो उसके नीचे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे डिज़ाइन के अलावा बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो ओवरऑल बिल्ड यहाँ पे प्लास्टिक की है। और मेरे हिसाब से अभी बिल्ड की साइड पे इन्फिनिक्स को काम करना बाकी है। अभी स्पेसिफिकेशन तो अच्छी दे रहा है इन्फिनिक्स, लेकिन बिल्ड क्वालिटी अभी तक प्लास्टिक की है। तो मेरे हिसाब से खैर क्रिटिसिज्म तो बनता नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिक्स आने वाले टाइम के अंदर इसको जरूर इम्प्रूव करे, ताकि बिल्ड की साइड पर मोबाइल फोन स्ट्रांग होंगे तो ज़्यादा अच्छा मार्केट के अंदर परफॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बिल्ड के अलावा बात किया जाए गेमिंग परफॉर्मेंस की साइड पे, तो मोबाइल के अंदर जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो मीडियाटेक G88 का है। और ये वही प्रोसेसर है जो कि हमने इन्फिनिक्स हॉट 11S के अंदर देखा और काफी तक अच्छा प्रोसेसर है। लेकिन यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के मुकाबले में थोड़ा सा डाउनग्रेड किया गया परफॉर्मेंस को, लेकिन यहाँ पे जो ओवरऑल परफॉर्मेंस मिलेगी गेमिंग वगैरह की साइड पे वो आपको काफी तक बेहतर मिल जाएगी। क्योंकि G95 और G88 के अगर कंपैरिजन किया जाए तो G95 ज्यादा अच्छा बेहतर निकल कर आता है, लेकिन फिर भी
G88 इतना ज़्यादा भी बुरा प्रोसेसर नहीं है कि इसको एक बुरे प्रोसेसर में शुमार किया जाए, लेकिन फिर भी अगर आप बाकी सारे फीचर्स को देखते हैं और उसके साथ G88 को देखते हैं तो मेरे हिसाब से आपको इतना ज़्यादा इनफ परफॉर्मेंस मिल जाएगी जितना ये मोबाइल से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब ये मोबाइल फ़ोन लॉन्च होगा तो इसको इन दैट देखेंगे कि कैसी ऑप्टिमाइजेशन है प्रोसेसर की, गेमिंग वगैरह के अंदर ये मोबाइल फ़ोन लैग तो नहीं कर रहा और स्पेशली पबजी जैसे गेम्स इसके ऊपर किस तरह के चल रहे हैं। तो ज़रूर वेट करिएगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। और बाय द वे, अगर आपको नोट 11 प्रो, नोट 11 या फिर किसी मोबाइल की कोई भी पबजी ग्राफिक्स देखनी हुआ करें तो आप लोग Phonebolee.com को विजिट करा करें, वहाँ पर सिंपली मोबाइल को सर्च करा करें। मोबाइल का पेज जैसे आप ओपन करेंगे तो बॉटम साइड के ऊपर आपको पबजी के ग्राफिक्स मिल जाएंगे कि कौन सा मोबाइल किस पबजी ग्राफिक्स के ऊपर गेम प्ले सपोर्ट करता है। तो आपको एक रफ सा आइडिया हो जाएगा कि मोबाइल फोन की जो पबजी परफॉर्मेंस है वो ग्राफिक्स की टर्म्स में किस तरह की रहने वाली है। और वैसे भी Phonebolee.com चैनल के ऊपर आपको ज़्यादातर स्मार्टफोन के पबजी टेस्ट मिल जाते हैं, आप वहाँ से जाके पबजी टेस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ज़रूर विजिट करेगा Phonebolee.com को, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, यहाँ पर आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, सारे स्मार्टफोन के पबजी ग्राफिक्स वहाँ पर मौजूद हैं। एनी दोस्तों, यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस के अलावा बैटरी की साइड पर बात की जाए तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और यहाँ पर बैटरी काफ़ी तक बस कह सकते हैं कि जो नॉर्मल चलती आ रही है Infinix की वैसी ही होने वाली है। बैकअप टाइम भी आपको उसी तरह का देखने को मिलेगा, लेकिन जो चार्जिंग की स्पीड है वो काफ़ी हद तक अच्छी रखी गई है, 33 W की यहाँ पे चार्जिंग सपोर्टेड है और मेरे हिसाब से जो चार्जिंग का ओवरऑल टाइम आने वाला है वो थोड़ा सा बेहतर आएगा। लेकिन नोट 10 प्रो के अंदर हमने देखा था कि 33 W चार्जिंग होने के बावजूद मोबाइल काफ़ी स्लो चार्ज हो रहा था, तो अब देखना यह है कि नोट 11 के अंदर इस चीज़ को फिक्स किया गया है या फिर नहीं किया गया। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन थे, कुछ फीचर्स थे जो कि आपको Infinix नोट 11 के अंदर देखने को मिलेंगे और मेरे हिसाब से मोबाइल फ़ोन काफ़ी तक अच्छा होने वाला है। और अगर ये मोबाइल फ़ोन जो प्राइस टैग हम एज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर लॉन्च किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा देगा। लेकिन यहाँ पे वैसे अवेलेबिलिटी, प्राइसिंग और वेरिएंट्स की बात कर ली जाए तो ये मोबाइल फ़ोन दो वेरिएंट्स के अंदर लॉन्च किया जाएगा, एक 4GB 128GB और दूसरा 6GB 128GB, और पॉसिबिलिटी है कि ये मोबाइल फ़ोन बहुत जल्द लोकल मार्केट के अंदर भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। और प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो एक्सपेक्टेड है कि ये मोबाइल फ़ोन 30 से 35 हज़ार के दरमियान ही लॉन्च किया जाएगा और मेरे हिसाब से 30 से 35 हज़ार की रेंज के अंदर ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा अगर इन सारे स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। लेकिन यहाँ पे मोबाइल के बारे में सही से मैं अपना कंक्लूजन तभी दे पाऊंगा जब ये मोबाइल फ़ोन लॉन्च होता है, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके रिव्यूज़ करेंगे और इसको इन डेप्थ एनालाइज करेंगे कि ये मोबाइल फ़ोन किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद ही मैं आपको अपना फाइनल कंक्लूजन प्रोवाइड करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो मेरे हिसाब से मोबाइल फ़ोन काफ़ी अच्छी डील है। लेकिन आप लोगों को ये मोबाइल फ़ोन किस तरह का लगा आप लोग कमेंट सेक्शन करना ज़रूर बताएगा, आज की वीडियो किस तरह की लगी ये भी ज़रूर बताएगा, आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करेगा, आज वीडियो का लाइक टारगेट पूरा करेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, अब तक ख्याल रखेगा। दिस इज शेड्यूल साइनिंग ऑफ ऑन Phonebolee.com। अल्लाह हाफिज़।